बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे स्मारकों पर ऑनलाइन टिकटिंग में हेरा फेरी, बिना अनुबंध किए ही स्मारकों पर बैठा दिए निजी एजेंसियों के कार्मिक। कई स्मारक पर एक ही सीरीज व एक ही समय के चैकिंग में टिकट मिले। ऑनलाइन टिकटिंग की ट्रायल में ये हाल तो बाद में क्या स्थिति होगी, यानी कि ये ऑनलाइन टिकटिंग में घेरा फेरी आ रही है। करीब आधा दर्जन टिकटों में गड़बड़ी मिली है। पुरातत्व निदेशक को अब स्मारकों से जानकारी दी गई थी। निदेशक डॉक्टर महेंद्र सिंह खड़गावत ने FIR के निर्देश भी दिए थे। अब DOIT के अधिकारियों के साथ सुबह 11 बजे बैठक होगी। तकनीकी गड़बड़ी या फिर हेरा फेरी, इसका खुलासा होगा 11 बजे का वक्त। 11 बज चुके हैं, हो सकता है कि मीटिंग शुरू हो गई हो। रोजाना राजधानी में हजारों पर्यटक आते हैं, ऐसे में गाइड एसोसिएशन ने ऑनलाइन व्यवस्था बंद करने की मांग की, साथ ही एक ही सीरीज के टिकट मिलने के मामले की जांच की मांग की है। तो इतनी बड़ी गड़बड़ी। मोन्यूमेंट के अंदर मैं और आप अगर जाना चाहें तो वहां हमें भी टिकट एक लेनी पड़ेगी, तो कम से कम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, एक प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट होता है, उसके बाद में वो लोग बैठते। वो तो सरकारी सुविधाओं के मजे ले रहे हैं, वहां पे बढ़िया AC चल रहा है, पानी की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, और टिकट दे रहे हैं, उसके अंदर भी टिकट 6,000 जा रही है, वहां पर अमाउंट 3,000 का ही दे रही है, जा किसके पास रहा पैसा। बारकोड का सिस्टम नहीं है? बिल्कुल, वहां बारकोड का कोई सिस्टम नहीं है। उन्होंने तो एक मशीन ले रखी है, उस मशीन में से कितनी बार बिलिंग निकलती है, कितनी बार पर्ची निकल रही, टिकट निकल रही है। मैंने कल खुद ने देखा है कि एक ही सीरीज की दो टिकट निकाल रखे हैं, तो आप इससे सोचिए कि एक महीने में उन्होंने कितना पैसा ले लिया होगा। और अगर इस तरीके से चलता रहा तो बाकायदा मैं तो कहता हूं कि गाइड एसोसिएशन का बहिष्कार करेगी, मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा अधिकारियों के खिलाफ, और SD में इसकी जांच करवाएंगे कि एक महीने का पैसा कहां पे गया। आखिर पैसा तो आया है, टूरिस्ट भी आया है, आपने तो टूरिस्टों की संख्या और घटा दी। आप कह रहे हो साहब ऑफ सीजन, जबकि इस बार ऑफ सीजन का ऐसा कुछ नहीं रहा है, वीकेंड भी आपके सही गए हैं। तो मैं कह रहा हूं कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, और अगर 5 दिन का समय दे रहे हैं, 5 दिन के अंदर अगर इसके अंदर प्रॉपर इसकी जांच नहीं करी गई और ये कमेटी नहीं बिठाई गई, तो मैं इसमें मुकदमा दर्ज कराऊंगा और सारी गाइड एसोसिएशन बहिष्कार करेगी, और हम आमेर में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि प्राइवेट देने की जरूरत कहां पड़ गई आपको। ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। निर्मल जी, देखा जाए तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो मीटिंग का वक्त दिया गया था 11 बजे से शुरू होने वाली थी, क्या वो शुरू हो गई है? दूसरी तरफ कौन कौन से स्मारक है जहां पर इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने आई? देखिए पूनम, बड़ी विडंबना देखिए कि पहले भी पुरातत्व विभाग फर्जी टिकटिंग के मामले में अपने हाथ जला चुका है, करोड़ों रुपए का घोटाला था, जिसकी पुलिस जांच आज तक पूरी नहीं हुई, और जिसमें कुछ अभी जो वर्तमान में जो अधिकारी हैं वो उस दौर में भी उस समय था। अब ये नया मामला है कि ई टिकटिंग को शुरू इसलिए किया गया था कि एक तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा और कुछ ट्रांसपेरेंसी आएगी, जैसा कि महेंद्र सिंह खड़गावत जो डायरेक्टर है वो साफ तौर पर कहते हैं इसके पीछे उद्देश्य यही था। लेकिन बड़ा सवाल देखिए आप कि एक महीने पहले मॉन्यूमेंट्स के ऊपर ई टिकटिंग ट्रायल के तौर पर शुरू कर दी गई, लेकिन जिन एजेंसियों को इसका काम दिया गया ना तो उनसे अनुबंध किया गया, ना किसी तरह से उनका और किसी तरह से औपचारिकता निभाई गई उनसे लिखित, यानी कि जो भी फर्जी जो टिकटिंग हुई है, घोटाला हुआ, जिस तरह से कल जो 5 फर्जी टिकट पकड़े गए जो एक ही समय के थे, एक ही सीरीज के थे, तो इसमें जिम्मेदार होगा कौन आके? क्योंकि उनके साथ तो अनुबंध नहीं हुआ। अगर वो कंपनी कहती है हमारे साथ तो अनुबंध नहीं था, ट्रायल के तौर पर किया, तो उनका क्या बिगाड़ पाएंगे उनका? तो बड़ा सवाल यही है कि बिना अनुबंध के आपने ई टिकटिंग के लिए जो जिन लोगों को स्मारकों पर बैठा है, मॉन्यूमेंट पर बैठा है, क्योंकि देश की छवि का सवाल है, राजस्थान की छवि का सवाल है, देश विदेश से हजारों की संख्या में रोजाना पर्यटक आते हैं। हम आमेर की बात करें तो औसतन 5,000 से 6,000 पर्यटक आते हैं। हम हवा महल या जंतर मंतर की बात करते हैं तो यहाँ से देश की छवि का भी सवाल है। आप किस तरह से इस तरह से छवि के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, और वो भी ऐसे दौर में जब आमेर तो विश्व विरासत में शुमार है, आमेर जंतर मंतर विश्व विरासत में शुमार है जो यूनेस्को की, तो इस तरह के मॉन्यूमेंट्स पर अगर इस तरह की फर्जी टिकटिंग की अगर स्थितियां सामने आएंगी, गड़बड़ियां सामने आएंगी, तो निश्चित तौर पर हमारी देश की और हमारे राज्य की छवि पर फर्क पड़ता है। मीटिंग अभी DOIT के अधिकारियों के साथ मीटिंग शुरू की है, जिसमें राजकॉम्प के तमाम अधिकारी हैं, लेकिन जो एजेंसी जिन पर नजर है, एक तो हवा महल में 3 एजेंसी थी, जिसमें वेपर लिमिटेड का भी जिसमें नाम आ रहा है, जिसमें डिजिटल सेवा द्वार का नाम आ रहा है, जिसमें मेवार एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का भी नाम है। इसके अलावा आमेर की बात करें तो आमेर में 6 एजेंसी थी, जिसमें तमर कंप्लीट सिस्टम्स की बात करें, BLS की बात करें, या फिर स्मेरिया जो है, या अक्स ऑप्टीफाइबर उसकी बात करते हैं, SUG कंपनी है, या रमन ट्रेडर की, तमाम जो एजेंसियां हैं जिनके कर्मचारियों को ट्रायल के नाम पर स्मारकों पर बैठाया गया, जो कि विश्व विरासत में शुमार है ऐसे स्मारकों पर, और वहां अगर एक ही समय में एक ही सीरीज के टिकट मिलते हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इसको ये मानवीय भूल इसको नहीं कहा जा सकता, ये निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हेरा फेरी की गई है। और देखिए 5 टिकट पकड़ने के बाद जिस तरह से हमारी लगातार मॉन्यूमेंट्स के अधीक्षक से बात हुई, जैसे पंकज धरेंद्र की बात करें आमेर, या सरोजनी चंचलानी की बात करें जो हवा महल बैठती है, या फिर ईसर लाट का जो
अधिकार जिनको दे रखा है मोहम्मद आरिफ या तमाम जो जितने भी अधीक्षक है उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे पास जैसे ही सूचना आई उसके बाद हमने निदेशालय को उसकी सूचना दे दी। निदेशक भी कहते हैं कि मैंने अगर इस तरह की गड़बड़ी तो FIR के आदेश दिए, लेकिन ये सब पूरी इस तरह से ना तो आप जांच को प्रभावित कर सकते हैं ना इस तरह से जांच को रोक सकते हैं। ये इतना बड़ा मामला है, जब ट्रायल के तौर पर अगर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा होता तो कहिए अगर ये कंपनियों को अधिकृत कर दिया जाता है इनको तो कितना बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा सकता था। बिल्कुल आपने सही कहा निर्मल जी, जो विस्तार से आपने जानकारी दी है इस पर अगर अधिकारी गौर फरमा ले तो आगे भी बहुत कुछ संभल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।